श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छे भक्ति मार्ग में। आप सभी जानते हैं भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस बार हम जन्माष्टमी का त्यौहार 18 अगस्त को मनाने वाले हैं। प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी को पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं और रात में 12 बजे कान्हा जी के जन्म के बाद उनकी पूजा अर्चना करते हैं और कुछ लोग तो जो व्रत रखते हैं वह व्रत का पारण भी करते हैं। और रात को 12 बजे जब श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस समय पर हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए हम तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं। तो कुछ लोग 56 भोग बनाते हैं, कुछ लोग माखन मिश्री का भोग अर्पित करते हैं, कुछ लोग श्री कृष्ण को पंजीरी अर्पित करते हैं। तो इस तरह हम श्री लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए अथाह प्रयास करते हैं। कई बार तो कुछ लोग बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ भी सजाते हैं, बहुत सुंदर डेकोरेशन करते हैं, क्योंकि यह दिन श्री कृष्ण जी के जन्म का दिन माना जाता है। इसीलिए हम तरह तरह से हमारे क्यूट से छोटे से लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परंतु वहीं हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार कृष्ण यानी के कृष्ण जन्म के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कुछ कार्य नहीं करने चाहिए, वरना श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त हमें पूर्ण रूप से नहीं हो पाती। पूजा अर्चना का भी पूर्ण फल हमें नहीं मिलता है, क्योंकि शास्त्रों में इन कार्यों को करना वर्जित बतलाया गया है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं, जान लेते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित माना गया है जन्माष्टमी के दिन। सबसे पहला कार्य जो कि शास्त्रों में पूर्णतः वर्जित बतलाया गया है वो है तुलसी पत्र को तोड़ना। देखिए, श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के ही अवतार माने जाते हैं और तुलसी विष्णु जी को सर्वाधिक प्रिय है। देखा जाए तो विष्णु जी के जो भी स्वरूप रहे हैं, जैसे कि श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण हो गए, इन सभी स्वरूपों को भोग स्वरूप तुलसी अर्पित की जाती है और बिना तुलसी अर्पित किए भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे में जो भी भगवान के स्वरूप माने गए हैं, विष्णु जी के स्वरूप हैं, बिना तुलसी दल के उनकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल से भी आपको तुलसी पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, तुलसी की पत्तियों को छूना नहीं चाहिए। और यदि देखिए आप श्री कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र डाले तो भोग स्वीकार भगवान करते ही नहीं है, तो तुलसी की पत्तियां आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के पत्तों को बासा नहीं माना जाता। तुलसी के पत्र पहले के टूटे हुए भी शुद्ध ही माने जाते हैं, तो आप तुलसी के जो पत्ते हैं उन्हें पहले ही तोड़ कर रखें। इसके पश्चात है जन्माष्टमी, जिस दिन होती है उस दिन चावलों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, जिन्हें हम अक्षत बोलते हैं, जिन्हें हम चावल बोलते हैं। जिस तरह से एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है, उसी तरह ठीक जन्माष्टमी के दिन भी चावलों का सेवन यानी जो हम अक्षत जिन्हें बोलते हैं, चावल खाते हैं और भगवान को अक्षत भी अर्पित करते हैं, तो ना तो अर्पित किए जाते हैं भगवान को और ना ही चावलों को खाया जाता है। तो जो लोग व्रत भी करते हैं वह भी ध्यान रखिएगा, आज के दिन आपको चावल नहीं खाने हैं। दूसरी चीज़, आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। देखिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि भगवान को जब हम भोग भी लगाते हैं तो हमारी किचन पूरी क्लीन होनी चाहिए, तो आज के दिन आपको प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक श्रेणी में माना जाता है। और साथ ही साथ आज के दिन आपको भूल से भी मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी का जो जन्म होता है वह शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, तो आज के दिन आपको ये कार्य भूल से भी नहीं करना है। और अगला जो कार्य है वह है गाय को लेकर, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कान्हा जी को बचपन में आपने सभी ने देखा होगा, वे ग्वाले कहलाते थे, गाय उन्हें सर्वाधिक प्रिय थी। तो कान्हा जी को गाय बहुत प्रिय होने के कारण बचपन से ही वे ग्वाल बाल के संग गाय चराने के लिए जाया करते थे। इसीलिए जन्माष्टमी या किसी भी दिन गाय या गाय के बछड़ों को भूल कर भी सताना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए। यदि आपके द्वार पर जन्माष्टमी के दिन स्पेशली मैं बात कर रही हूँ गाय आ जाती है, तो उसे आपको घी लगा के, हो सके तो मक्खन मिश्री रख दीजिए, नहीं है तो गुड़ रखकर आपको आज के दिन उन्हें खिलाना ज़रूर चाहिए। वैसे तो गाय के अंदर
33 कोटि देवी देवता का वास माना गया है। तो गाय की सेवा तो आपको रोजाना करनी चाहिए, और आज के दिन गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं वह करना चाहिए। मतलब कि गाय यदि आपके गेट पर आई है तो उसे देखिए खाली मतलब रुष्ट करके आप ना भेजे, खाली पेट ना भेजे। वो बहुत कुछ नहीं मांगती आपसे, केवल एक रोटी मांगती है। तो हो सके तो रोटी खिलाइए, नहीं तो हरा चारा खिलाइए, हरे मूंग भी आप खिला सकते हैं। तो इस तरह से गायों की सेवा करने से श्री कृष्ण की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो आज के दिन आपको गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। अगला है, किसी का भी देखिए अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। आप सभी जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी एक समान रहे हैं। सुदामा गरीब थे तो भी भगवान को उतने ही प्रिय थे, और युधिष्ठर अमीर थे तो भी भगवान को उतने ही प्रिय थे। तो इसी तरह हमेशा अमीर गरीब सभी का आपको सम्मान करना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूल से भी बड़ों का आदर निरादर आदर करें, निरादर बिल्कुल ना करें, अपमान ना करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से श्री कृष्ण नाराज़ होते हैं। तो ऐसे में आज के दिन आपको भूल वंश भी कुछ ऐसे जो मैंने आपको कार्य बताए हैं ये नहीं करने चाहिए। और एक चीज़ आज आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कोई भी गरीब व्यक्ति भिखारी आपके द्वार पर यदि आता है तो उसे आज के दिन आपको, क्योंकि वैसे तो देखिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आज के दिन मैं विशेष रूप से कह रही हूँ क्योंकि भगवान होता है किसी भी स्वरूप में आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके गेट पर आ जाते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति, भिखारी या कुछ भी मांगने वाला यदि व्यक्ति आता है तो उसे अपने मुख्य द्वार से खाली हाथ ना लौटाए। उसके हाथ में भले आपका जितना सामर्थ्य हो, दान दक्षिणा कुछ, दक्षिणा तो खैर मैं क्या ही बोलूँ, कुछ खाने की सामग्री आपको पेट भरने के लिए ज़रूर देनी चाहिए। तो बस यही कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जिसका आपको जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और ये मैं आपको कुछ चीज़ें तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि कुछ जीवन में हमें नियम ज़रूर पालने चाहिए। जैसे कि कोई भी भूखा व्यक्ति आपको दिख जाता है, आप पैसे मत दीजिए। मैं नहीं बोलती कि आप पैसे दीजिए, आपको उसे कुछ भी खाने की सामग्री ज़रूर देनी चाहिए। तो आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, लाभप्रद लगी हो, वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को अपने अन्य प्रियजनों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शिवभक्ति मार्ग परिवार का हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।